PSL 7 की नई वीडियो के साथ आपका होस्ट और दोस्त शकील अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। दोस्तों आज इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे PSL 7 के एंथम के रिएक्शन के बारे में और जानेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक का इस एंथम के हवाले से क्या रिएक्शन है, क्या रिव्यू है, मुकम्मल तफसील से जानेंगे। लेकिन प्यारे भाइयों से गुजारिश है कि बराह मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ईगल न्यूज़ 99 की फैमिली में शामिल हो जाइए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। अपना रिव्यू भी दूंगा और आपने भी अपना रिएक्शन और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना है। तो दोस्तों कल पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 का एंथम रिलीज़ किया गया जिसमें सिंगर थे आतिफ असलम और एमा बेग। तो दोस्तों इस एंथम को लेकर जो पब्लिक का ओपिनियन है वो 50-50 है। किसी ने तो इस एंथम को पसंद किया है और किसी ने इस एंथम को ट्रोल किया है। मैं ट्विटर पर भी गया हूँ, यूट्यूब पर भी गया हूँ, फेसबुक पर भी गया हूँ और बहुत सारे लोगों के मैंने ओपिनियन जाने हैं, उनके ट्वीट पढ़े हैं, उनके कमेंट पढ़े हैं। तो आप ये ट्वीट वाले तो देख सकते हैं कि किस तरह PSL 7 को एंथम को ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन जितने ही ट्रोल करने वाले हैं उतने ही इस एंथम को पसंद करने वाले हैं। किसी ने कहा कि अब खेल जमेगा से ये बेहतर नहीं है, किसी ने कहा ये ग्रूव मेरे से बेहतर नहीं है, इससे तो अच्छा ग्रूव मेरा था जिसमें नसीबो लाल और आयमा बेग थी। लेकिन 50-50 ऑडियंस है। अगर आप मेरी राय माने तो ये गाना अली ज़फ़र के गाने से तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जो अली ज़फ़र का गाना था अब खेल जमेगा, वो अब खेल जमेगा एक अच्छा गाना था, एक अच्छा एंथम था, उससे सुनिए तो एक जोश पैदा होता है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है। लेकिन गुरु मेरा और दूसरे जो एंथम है उनसे काफ़ी अच्छा है ये सॉन्ग। आपने भी अपना राय देनी है अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।